हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे गार्डन के नज़ारे हैं। बारिशों के बाद आज कई दिनों बाद धूप निकली है और मेरे गार्डन पे ये इधर देखिए, तोरी भी है और ये खीरा खीरा है। ये शायद आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा। ये है और भी कई एक खीरा और तोरी लगी हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल जाती है। और ये स्नैक बीन्स है। स्नैक बीन्स तो करीब डेली हमें 10-20, 15 से 20 स्नैक बीन्स मिल जाती हैं। ये हमारा पुराना प्लांट है, हमने इसमें कम से कम 8-10 बार हार्वेस्टिंग की है। अब ये फिर से रेडी है। थोड़े थोड़े बीन्स हैं ये देखिए, और हम इसे इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं क्योंकि अभी सीज़न है। ये फिर से 1-2 बार हमें नई सब्जियां दे देगा। और ये हमारे तोरी है, देखिए तोरी की छोटी छोटी तोरी आ गई है, उधर बड़ी तोरी भी है। और ये हमारी ये भी देखिए तोरी है, और ये भी छोटी सी है। ये हमारा एलोवेरा है और ये तुलसी प्लांट है। हमारा मालाबार स्पिनाच है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये देखिए हमारी क्यारियों से भी ऊपर इधर ऊपर नेट तक गया हुआ है। और ये हमारा एक छोटा सा खीरे का एक और प्लांट है। ये हमारा संतरे का, जिसे हमने बीज से लगाया था, एक प्लास्टिक मिनी में लगाया हुआ है। ये फ्लावर जो मैं पहले भी आपसे पूछना चाहती थी, ये कैसा फ्लावर है मुझे नहीं पता। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और इसकी मैंने कटिंग लगा दिया। जब ये छोटा था मैं इसे कैप्सिकम ही समझ रही थी, शिमला मिर्च। लेकिन जब इसमें फ्लावरिंग हुई तो हमारे समझ में नहीं आया ये कैसा प्लांट है। हमने इसकी कटिंग भी लगा दिया था, 2-3 कटिंग्स देखी, वो सक्सेस भी हो गई है। एक ये है, इसमें भी फ्लावरिंग हो स्टार्ट हो गई है। और एक और भी है जो उधर अंदर छुपा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है। ये तो हमारा पोर्टुला का है। ये डेली सुबह सुबह हमारे टेरिस को ब्यूटीफुल बनाता है। और ये सदाबहार है, विंका वाइट वाला, इसकी भी हमने कटिंग लगाई है। कहीं से हम लाए थे, अभी जल्दी ही हम लाए हैं, 5-6 दिनों पहले। और इसमें लाकर हमने ऐसी मिट्टी में लगा दिया, कुछ लाकर ऐसे पानी में रख दिया है। छोटे से ग्लास में किसी भी चीज़ में ऐसे आप पानी में रख दीजिए। देखिए इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए इसकी रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है। और इसको ऐसे ही मिट्टी में ऐसे किसी भी चीज़ में, गमले में किसी में पीछे ऐसे दबा दें, ये चल जाता है। ये बहुत ईजी टू ग्रो है और हमारे गार्डन को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। ये आप भी लगाइए। ऐसे पॉलिनेशन के लिए हमारे जो फ्रेंड कीट हैं वो ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, हमारे गार्डन की तरफ आते हैं, इसलिए ये हमें लगाना चाहिए। एविंग का हमारे पास देशी वाला भी है और ये भी एक रेड भी था, वो शायद बारिशों की वजह से चला गया। बारिशों में रुकता नहीं है, ज़्यादा पानी की वजह से जो कलरफुल विंका होते हैं वो नहीं बचते, बारिश में ख़त्म हो जाते हैं। अब देखते हैं बारिश बाद वो फिर से रीग्रो होते हैं उनके बीजों से या नहीं। ये हमारा मनी प्लांट है, हमने बारिशों में यहाँ ला के रख दिया और हम इसे अंदर रखते हैं। और ये हमारा क्या बोलते हैं, हर सिंगार का पौधा, ये कम अज़ कम 18-20 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये देखिए करीब से। और ये है हमारा मोगरा प्लांट, ये भी बहुत फैला हुआ है। ये हमारा वही प्लांट है जिसकी फ्लावरिंग इस तरह का फ्लावर आ रहा है इसमें। आप ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि ये किस चीज़ का प्लांट है, ये कौन सा फ्लावर है, मुझे नहीं पता। मुझे किसी ने गिफ्ट किया है, मैंने आपको बताया। और ये हमारा इंजीर है, इसमें इंजीर भी आ रही है। और इंजीर प्लांट है हमारा, ये नया है, 2-3-4 महीनों का पहले का है। ये हमारा कड़ी पत्ता प्लांट है, हमारा पोमीग्रेनेट है, ये हमारी मूली और चुकंदर है, हमारा लेमन ग्रास है, स्नैक प्लांट, ये हमारा अरबी के पत्ते, ये पपाया प्लांट है, ये भी हमने 2 से 3 महीने पहले ही लगाया है। और ये हमारा लेमन प्लांट, ये बहुत खुश करने वाला प्लांट है। ये चाइना लेमन है और ये बहुत जल्दी जल्दी हमें लेमू देता है। हमेशा इसमें 4-6-8-10 लेमू तो लगे ही रहते हैं। और एक और लेमन प्लांट हमने इसमें लगाया हुआ है, बोरी में, जस्ट ऐसे, ये देखिए, ये स्नैक प्लांट है, ये प्यूरीफाइंग है।
ये हमारा मौसमी प्लांट है, इसकी ग्रोथ ऐसी रुकी हुई है, हमें इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। और ये पर्पल हर्ट है, अगेन ये हमारा मालाबार स्पिनाच, देखिए कितना ज़्यादा फैला हुआ है, इधर से लेकर पीछे पूरा गया हुआ है, ऐसे तो हम देख भी नहीं पाते हैं कहाँ तक है, हम इसे ऐसे पड़ोसियों को देख के बांट बांट के थक जाते हैं। और ये हमारा देसी लेमन प्लांट, ये भी हमने बीज से ग्रो किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा गार्डन का ओवरव्यू है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।